अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम उस्मान हबीब, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। मेरी आज की ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। असल में आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर दो किस्म के लोग मिलेंगे। एक वो जिन्होंने अपने टाइम का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टडी को मैनेज किया, और एक वो जिन्होंने ना तो अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल किया ना ही अपनी स्टडी को मैनेज किया, बल्कि अपनी गलतियों के इल्ज़ामात भी दूसरों पर थोपते रहे। हमारी इस वीडियो में हम आपको ये दोनों किस्म के लोग दिखाने जा रहे हैं। आइए अब हम वीडियो देखते हैं। यार 24 यूनिवर्सिटी भी लग चली है ना, मेरी मिड च 6 सब्जेक्ट, 6 दे विच 1 दे विच भी यार 5 तो 3 नंबर ही नहीं है मेरे। यार हूँ फाइनल दे विच की बनेगा, अटेंडेंस मेरी अगे शार्ट है सारे चो। यार मैं तो लगता मैं उठ जाना इस दफा, अगे ही CGPA भी डूबे है यार। पिछली दफा कसम खाधी सी, जिस टाइम मेरा 1.57 आया सी कि 2 तो उत्ते जावांगा, हूँ तो मैं 1.5 भी आता नज़र नहीं आता यार। मैं तो ड्रॉप हो जाना यार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, तुम यूनिवर्सिटी पढ़ते हो ना? हाँ यार यूनिवर्सिटी भाई मैं तो ना रोज बस चढ़ दिया वेखना, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जब बस जा रही है ना तो चढ़ दिया वेख। ओए यार तेरा भरा बस भाई, मैं भी आ रहा यूनिवर्सिटी थोड़ी, मैं एडमिशन लै लगा थोड़ी यूनिवर्सिटी च। ले रहे एडमिशन? हाँ जी भाई। कैडेट डिपार्टमेंट? भाई जी इंजीनियरिंग विच। कितने नंबर ने फर्स्ट ईयर? भाई मेरे 453 नंबर ने। यार अच्छा तो नहीं लगता, मगर तू छोटा भरा है अपना यार। यार ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ना यार कोई लेवल नहीं है भाई। बड़ा लेवल है, बड़ी बड़ी सोहनी बस जाती है, बंदे भी बड़े सोहने यार। बसा सोहनिया ने बिच जी वाम बैठी है वो बड़ी चवल जी। यार पहली गल है तेरी जिंदगी स्ट्रगल तो स्टार्ट होगी। सही सब ने पहला गल है, तू सुबह निकलेगा टेंशन परेशानियों। बिल्कुल उस तो बाद कोई नहीं माहौल को। नहीं नहीं भाई मैं उसी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना है, क्योंकि मेरे दो कज़न ना उत्थे ही पढ़ के बाहर टूर गए ना बाहर, तो एक कज़न ना ले उत्थे ही पढ़ता पैंदा है। तो मतलब कि तू जलील होना यार, तेनू आज तक तेरे कज़न ने समझाया भी किस तरह यूनिवर्सिटी? आज मैं तेन दस पढ़ के बाहर सुन, यूनिवर्सिटी सामने पहला तू जाएगा ना, सामने पहला उन्होंने जरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एडा गंदा गंदा सिस्टम है यार भाई। बस से बड़ी सोहनी होती है यार। एक तो मैं समझ नहीं, तू बस उत्ते बैठे हैं भी, बस बाहरों सोनी है बस। बिल्कुल अंदर की चीज़ का तो ना पता होता यार। यार मैं गल दस यार, बस बस में छड़ पड़ा अग्यों सुन, चल बसा गोली मार, अंदर यूनिवर्सिटी तो पढ़ना ही है ना। बिल्कुल उस तो बाद अंदर के माहौल गंदगी, उस तो बाद ये वगैरह सिगरेट नशा करते हैं बच्चे, क्लासा लेंदे ही नहीं, ड्रॉप होने वाले हुए बच्चे। तो होर की स्कूल लैवल से होंगे भाई। मेरा ना एक टीचर सी, वो मैं कहता सी तुम यूनिवर्सिटी पढ़ जाओ तो अगों की थोड़े नंबर अपने आप लगन दे, तुम डिग्री लैके निकलो दे, ऐ की हिसाब है यार। जिस टीचर ने तेनों कहा ना मैं उम्मीद है वो खुद ऐसे पास होएगा यार। सीधी गल छोटा भरा है तू अपना, लायक भी तू इन्ना कोई नहीं है, मेरे जिन्ना भी नंबर कोई नहीं तेरे, मैं भी मेरे भी ज्यादा ही सी तेरे नालों फर्स्ट ईयर च। किन्ने सन भाई? और यार ज्यादा सी हूँ अग्गियां सुन। अच्छा सबना पहली गल ए वे कि लोग उत्थे सिगरेट पींदे ने छुप छुप के। अच्छा उस तो बाद ना गार्डा तो बचते हैं, गार्डा नु सिगरेट देते पी ले ये वो वगैरह। अच्छा उस तो अलावा अटेंडेंस शार्ट होंगी, उस तो अलावा ड्रॉप होंगे ने बच्चे, कोई इलम की कदर नहीं, कोई क्लास ले ही नहीं। सीरियस गल है तेरे भरा ने ना हूँ तरीफ वाली की गल है भी तरबीयत ऐसी सी, तो उस तो बाद बचपन से मोटिवेटेड सी मैं कि मेरा CGPA भी अच्छा 3.98 जा रहा है इसका। उस तो बाद यार मेरी अटेंडेंस भी लो 3.98 तो बंदा ड्रॉप हो जाता यार। तू यूनिवर्सिटी वाला आया नहीं ना, तेन पता नहीं इतने 4 होंगे CGPA टोटल। अच्छा, टोटल 4 बस 4 च नंबर होंगे ने यार। तेन मैं सीधी गल दसना यार, सीरियस गल है टीचर तू जाके उ मेरा नाम पूछे टीचर नाम जान दे होंगे, मगर मैं तेरे वास्ते कहूँगा यार तू नहीं रह सकेगा उ मेरी तरफ ना ही ना ले एडमिशन भाई। फिर मैं पूरी जिंदगी याद रखेगा भरा
ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਮੀਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਐਂ ਦੀ ਚਵਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਏਡਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰਾਪ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾ ਸਮਾਨ ਆਸਮ ਬਾਸ ਤੇਰਾ उन्होंने काफी मोटिवेट किया मेरा इरादा बदल गया फिलहाल तो यार तुम्हें तलहा मिल गया ओ ते आप एडी बड़ी खच है यार नहीं भाई मोटिवेट बड़ा अच्छा करते हैं क्या कहा उसने कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जाना यहाँ पे नशाई नशा नशा बहुत ज्यादा चलता है जो तलहा है ना हाँ। उसको सिर्फ तीन काम आते हैं यूनिवर्सिटी में कौन एक सिगरेट पी के बचना कैसे है हाँ। गार्डों से बाथरूम में जाकर छुप के बैठा रहता है वहाँ सिगरेट पीते बैठ के और टेंडेंस कैसे लगवाते हैं एक काम ये आता है और तीसरा काम से ये आता है सिर्फ लड़कियाँ ताड़ना और कोई काम नहीं आता यूनिवर्सिटी में भाई वो तो शक्ल से बड़ा शरीफ लगता है और शक्ल ऐसी बनाता है पता नहीं ऐसे क्या बंदा वो भाई वो मुझे बता रहा था उसका 3.94 CGPA है बड़ा लाइक है वो 3.9 पे था हाँ इस सेमेस्टर में उसे ड्रॉप आउट हो जाना था बड़ा लो जीपी चल रहा उसका इसका मतलब वो चाहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में ना हूँ वो बच्चों का ऐसे मोटिवेट करता है जैसे पता नहीं बड़ा काम कर रहा है अपनी यूनिवर्सिटी को बदनाम करता है वो देख यार जहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो बेशक पाकिस्तान में ले या कहीं बाहर जाकर ले यूनिवर्सिटी पढ़ना तुमने खुद ही है बिल्कुल यानी कि स्टडी तुम पर डिपेंड है कि तुम किस तरह स्टडी करते हो अच्छी करते हो या बुरी करते हो तुम्हारी मर्जी है फिर स्टडी जहाँ मर्जी एडमिशन लो बाकी जो माहौल का हिसाब है ना वो माहौल तो हमसे बनता है स्टूडेंट से माहौल कैसा बनाते हैं वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर जो इंतजामिया यूनिवर्सिटी की वो तो बहुत अच्छी इंतजामिया है यानी कि बहुत अच्छा माहौल देती है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल है यूनिवर्सिटी का बाकी जो तलहा जैसे स्टूडेंट्स हैं ये बदनाम करते हैं यूनिवर्सिटी को अपनी यूनिवर्सिटी को बदनाम करते रहते हैं पता नहीं क्या समझते हैं खुद को खुद ड्रॉप आउट हो जाते हैं और बाद में फिर यूनिवर्सिटी को बदनाम करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऐसी है यूनिवर्सिटी ऐसी है खुद पढ़ना नहीं आता उनको बाकी एडमिशन लो ना लो वो तुम्हारी मर्जी है अब मैं तो ये कहूँगा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लेकिन तुम आकर हॉल रूट चेक करना यूनिवर्सिटी का थैंक यू वेरी मच थैंक यू वीडियो तो आपने देख ली आखिर में सबको सिर्फ इतना कहूँगा कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर अमल करने के बजाय पहले किसी भी चीज़ को खुद ऑब्जर्व कर लेना चाहिए ये ना हो कि आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहें